एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हुए हैं पतरातू डैम, साइबेरियन बर्ड्स जो आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स, उनको देखने के लिए। अगर आप लोगों को भी देखना है तो आप लोगों को भी ठंडे के दिनों में ही आना होगा। दिसंबर से मार्च तक ये रहते हैं, मार्च के स्टार्टिंग में ही रहते हैं, उसके बाद ये फिर से माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह। तो आज हम लोग वही बर्ड्स देखने आए हैं, साइबेरियन बर्ड्स पतरातू डैम में। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं साइबेरियन बर्ड्स। डैम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से तो, और बोट्स भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और उधर जो दूर पे वो रिजॉर्ट है, अभी बंद है फिलहाल। रिजॉर्ट वाले रास्ते से नहीं आए हम लोग, उससे पहले ही रुक गए। और जो रास्ता है मैं आपको दिखाती हूँ, तो देख सकते हो उधर पार्किंग करके आप फिर इधर से आओगे। ये बांस के जो ये लगे हुए हैं, ये जिनके बोट्स है वही लोग लगाए हैं। फिर ऊपर से सीढ़ी है, फिर इधर आना है, इधर तक आप पुल पे आओगे, फिर या इसके बाद इधर फिर सीढ़ी से उतर के फिर वहां तक जाना है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको बोटिंग करना है तो इतना रिस्क उठाना पड़ेगा। तो डैम तक आने के लिए थोड़ा ज्यादा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि रिजॉर्ट बंद है तो इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। साइबेरियन बर्ड्स देखना है ना, तो इतना चलता है। रास्ता तो आप लोग अच्छे शूज पहन के आना, हील उल मत पहन के आना, ताकि अच्छे से उतर पाओ। हम लोग ये जो येलो कलर के पीछे बोट है, इसी बोट से जाने वाले हैं। मैं आपको बोट दिखा देती हूँ अच्छे से, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ ये बोट। और हम लोग अब जाने वाले हैं साइबेरियन बर्ड्स देखने के लिए। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ साइबेरियन बर्ड्स देखने के लिए उड़ते हुए। और वो लोग कुड़कुड़े ये सब फेंकूंगी तो वो लोग और आएंगे, तो देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, आज हम लोग इसी भैया के साथ बोटिंग करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, एकदम देखने लायक सीन है ये सब। तो मूवी में देखा था, आज पहली बार देख रही हूँ मैं। लगा है 100 रुपीज या 150 या 100 रुपया में आप पूरा बोटिंग कर सकते हो। ये लोग पूरा एक राउंड रोटेट करवाते हैं और आराम से चिड़िया लोग आएगी और आप इंजॉय कर सकते हो। तब बहुत ही ज्यादा, मैं पास लफ्ज नहीं है इस सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, पर बहुत ही ज्यादा मतलब पीसफुल मोमेंट है ये, देख सकते हो आप लोग। तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल मोमेंट है, तो मजे से ये लोग खा भी रहे पॉपकॉर्न कुरकुरे, जो भी चीज फ्लोट करता है आप लोग वो ले आ सकते हो। और ये सब चीज तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं, और आप लोग पतरातू रामगढ़ ये सब जो लोग रहते हो वो लोग मेरे हिसाब से आना चाहिए एकदम। ऐसे चीज ले आना जो खत्म ना हो पूरा, आप तभी ये लोग आएंगे। जल्दी खत्म होने वाला कुरकुरे ये सब भी ला सकते हो, पर मुड़ी ये सब ले आना ताकि जल्दी ना खत्म हो और आप लोग देते जाओ, लोग खाते जाए
और आपका बोट का पीछा करते रहे, तभी आपको देखने में भी बहुत मजा आएगा। देख रहे हो ना आप लोग कितने चाव से ये लोग खा रहे हैं। ये लोग भी पूरा भरपूर आनंद ले रहे खाने का। जो भी लाओ थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लाना, क्योंकि पूरा डैम आपको घूमने में कम से कम 20 मिनट्स तो लगेगा ना, 15 to 20 मिनट्स। तो ऐसा कुछ लेके आना जो उतने देर तक टिका हुआ रहे, तभी आप चिड़िया लोग को अपने बोट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये लोग चले जाएंगे। खाना रहेगा तभी आएंगे ये लोग। तो हम लोग ने बहुत सारी चीजें लाए थे इन बर्ड्स के लिए। इन लोगों का भी पेट आज पूरी तरह से भर गया होगा। हम लोगों ने मूढ़ी खरीदा था, कुरकुरे खरीदा था, फिर पॉपकॉर्न, ये सब जो जो फ्लोट करता है हम लोगों ने वही खरीदा था। तो इनका भी आज पेट अच्छे से भर गया होगा। मैंने आप लोगों को पूरा पतरातू डैम घुमा दिया और सारे साइबेरियन बर्ड्स भी दिखा दिए, और क्या क्या लाना है आप लोगों को जो आप लोगों की तरफ ये बर्ड्स अट्रैक्ट हो वो भी दिखा दिया। पीछे मेरे जो देख रहे हो वो मछली घर है। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया। आज का जो हम लोग सोच के आए थे साइबेरियन बर्ड्स को दिखाने के लिए, वो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। ठीक है, बाय बाय।